और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिलीप घोष पर हमले के मामले में एक्शन में है पुलिस और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कूचबिहार के शीतलकुची इलाके में यह हमला हुआ था, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा था। हमले में दिलीप घोष की कार का शीशा भी टूट गया था और इस पूरे मामले में पुलिस ने 16 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। दिलीप घोष के ऊपर हमला हुआ था और उनकी कार का शीशा भी टूट गया था और ये आरोप लगा था टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। इस पूरे मामले की जाँच हो रही थी और जाँच के बाद 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर, ये 16 लोग कौन हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जैसा आरोप लगा था, क्या ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं? देखिए, इसका तो अभी पुष्टिकरण अभी तक नहीं हुआ है ये 16 लोग कौन है, लेकिन आरोप सारे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ही थे और ये जो 16 लोग अरेस्ट हुए हैं इनमें से कुछ तृणमूल कांग्रेस के लोग भी है ऐसा माना जा रहा है। कल दिलीप घोष के ऊपर जब आक्रमण हुआ था, दिलीप घोष ने ये साफ कहा था कि ये जो लोग हैं जो मेरे ऊपर आक्रमण किए हैं ये मेरे से डर के आक्रमण किए हैं और ये लोग ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के ही हैं। और क्योंकि कूचबिहार में पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा रिजल्ट किया था, इसीलिए इस बार जब ये आक्रमण हुआ है ये माना जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का आपस का मुठभेड़ का मुद्दा है और इसमें दिलीप घोष का काफिले के ऊपर अटैक किया गया था और इसके चलते कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जो माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के हैं। शुक्रिया आपका रविशंकर पूरी अपडेट देने के लिए। तो 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब इनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इस हमले का आरोप था टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। नजर हमारी बनी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।